गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू आल्सो वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जीके में सेकेंड चैप्टर तक रिवीजन कराया था एंड टेस्ट लिया था, और जो मैंने एक्स्ट्रा कराया था उसका भी टेस्ट लिया था। सो बच्चों, आप जो चीज़ हम बताते हैं रिवीजन फिर से कराते हैं, आप लोग भी फिर से रिवाइज करेंगे, उसको दोबारा लर्न करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको वो लर्न हो जाएगा अच्छे से, है ना। और जब आपका एग्ज़ाम टाइम आ जाएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। सो आज हम चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर फोर का रिवीजन करेंगे। ओके, आप जीके में स्मॉल स्मॉल चैप्टर हैं, है ना, इसीलिए अब हम टू चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ओके, तो चैप्टर थर्ड का नेम है फ्रूटी कलर्स, है ना, फ्रूटी कलर्स, है ना। अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे जो फ्रूट्स होते हैं उनका इनसाइड पार्ट अलग होता है और आउटसाइड अलग होता है, तो हमको उसको देखना है कि इनसाइड कैसा होता है और आउटसाइड कैसा होता है। ओके, इन मैनी फ्रूट्स द कलर ऑफ द स्किन इज डिफरेंट फ्रॉम द कलर ऑफ द फ्लैश इनसाइड। लुक एट द फ्रूट एंड कलर द इनसाइड पार्ट, है ना, अंदर का जो है वो पार्ट कैसा है और बाहर का पार्ट कैसा है, दोनों क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, है ना, तो हम वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा वाटर मिलन। ए वाटर मिलन इज ग्रीन आउटसाइड। वाटर मिलन बाहर से कैसा दिखता है, ग्रीन मतलब हरे रंग का होता है, बाहर से वो हरे रंग का होता है एंड रेड इनसाइड, बट अंदर से वो किस कलर का होता है, रेड कलर का, मतलब लाल कलर का, है ना, लाल रंग का होता है। जब उसको हम कट करते हैं तो लाल होता है ना, और उसके जो सीड्स हैं मींस उसके जो बीज हैं वो ब्लैक आते हैं, काले रंग के आते हैं, तो बाहर से वो कैसा है, हरे रंग का है, और अंदर से वो कैसा है, रेड कलर का है। ओके, सेकेंड ए पपाया इज येलो आउटसाइड एंड ऑरेंज इनसाइड। पपाया मींस पपीता। पपाया जो होता है बाहर से येलो कलर का होता है और अंदर से वो ऑरेंज मतलब नारंगी रंग का होता है। आपने पपाया खाया होगा। वाटरमेलन मींस तरबूज होता है, वाटरमेलन भी खाया होगा, है ना, पपाया भी खाया होगा, सारे फ्रूट्स खाने चाहिए। तो पपाया जो है वो अंदर बाहर से येलो कलर का होता है, अंदर से ऑरेंज होता है। ओके, थर्ड है आपका लीची। ए लीची इज रेड आउटसाइड एंड वाइट इनसाइड। लीची जो होती है वो बाहर से रेड कलर की और खुरदुरी होती है, होती कि नहीं होती है, थोड़ी सी खुरदुरी होती है, उभरी हुई होती है, और अंदर से वो सफ़ेद रंग की होती है, और उसके बीज किस कलर के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, मीन्स ब्राउन कलर का होता है। तो लीची जो है वो बाहर से रेड कलर की होती है और अंदर से सफ़ेद रंग की होती है। ओके, फिर है थर्ड है बेटा, फोर्थ है आपका एन एप्पल इज़ रेड आउटसाइड एंड वाइट इनसाइड। जो एप्पल होता है वो बाहर से लाल होता है और अंदर से कैसा होता है, सफ़ेद होता है, होता है ना, बाहर से कैसा होता है, लाल होता है, है ना, और अंदर से कैसा होता है, सफ़ेद होता है। फिर है मैंगो। ए मैंगो इज़ येलो आउटसाइड एंड येलो इनसाइड टू। मैंगो जो है वो बाहर से भी येलो होता है, पीला होता है, और अंदर से भी पीले रंग का होता है, जब हम उसको कट करते हैं वो पीला होता है, और मैंगो तो सबको पसंद है। फिर है सिक्स। ए कीवी इज़ ब्राउन आउटसाइड एंड ग्रीन इनसाइड। कीवी जो कीवी भी फल होता है ना, आप कीवी बहुत लोगों कम लोगों को पता होता है कि हाँ कीवी भी एक फ्रूट है। तो कीवी जो है बाहर से भूरे रंग की होती है और अंदर से कैसी होती है, हरे रंग की, मींस ग्रीन कलर की। तो एक बार और चलिए देख लीजिए। तो वाटरमेलन है, ए वाटरमेलन इज ग्रीन
आउटसाइड वाटरमेलन बाहर से हरे रंग की होती है और अंदर से रेड कलर की होती है। पपाया, ए पपाया इज़ येलो आउटसाइड एंड ऑरेंज इनसाइड। पपाया जो है बाहर से येलो और अंदर से नारंगी होता है। लीची, ए लीची इज़ रेड आउटसाइड एंड वाइट इनसाइड। लीची जो है वो रेड कलर की होती है और अंदर से वाइट होती है, मीन्स सफ़ेद रंग की। एप्पल जो है बाहर से रेड कलर का होता है और अंदर से सफ़ेद होता है। फिर है मैंगो, ए मैंगो इज़ येलो, मैंगो अंदर से भी येलो होता है एंड बाहर से भी येलो होता है। कीवी, ए कीवी इज़ ब्राउन आउटसाइड, कीवी बाहर से भूरी और अंदर से हरे रंग की होती है। तो ये क्या है, फ्रूटी कलर्स हैं। जो बहुत से ऐसे फल हैं जो बाहर से उनका कलर दूसरा होता है और अंदर से दूसरा होता है, होता है कि नहीं। जैसे आप बनाना ले लीजिए, बनाना बाहर से हरे रंग का होता है मगर अंदर से वाइट होता है ना। तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और उनका रंग होता है, वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। उनका इनसाइड अलग होता है और आउटसाइड अलग होता है। ओके, तो आपको करना क्या है, इसको लर्न करना है। इसको लर्न कैसे करना है, आपको लर्न कैसे करना है, मैं फ्रूट नेम आपको राइट करने के लिए दूंगी। नेक्स्ट डे हम टेस्ट लेते हैं ना, तो आपको फाइव फ्रूट नेम आपको लिखना है। फाइव फ्रूट नेम, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, आप उसमें से आपको सिर्फ फाइव लिखना है। ओके, तो आपको ऐसे लर्न करना है। ओके, आपका चैप्टर है 4, इजी पीजी वर्ड, आसान शब्द। आसान शब्द क्या, जो शब्द एक जैसे हों, है ना, जो शब्द एक जैसे बोलने में आते हों, है ना, एक जैसे बोलने में जो आते हैं, उनको हम लिखेंगे, बहुत इजी रहते हैं। और वो जो शब्द पेयर्स में जोड़ों में आते हैं उनको हम अपनी राइम्स से कंप्लीट करेंगे। तो जैसे है द, किसका फिगर है, कैट इज ऑन द, कैट किस पे है, मैट। द कैट इज ऑन द मैट, कैट किस पे बैठी है, मैट पे, मैट मीन्स चटाई होती है। सेकेंड, द डॉग इज ऑन द लॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, कुत्ता किस पे बैठा है, लकड़ी के गट्ठे पे, है ना, लॉग। थर्ड, द पिन इज इन द टिन, पिन जो है किस में पड़ी हुई है, टिन में, है ना, एक टिन के बॉक्स में। फोर, ए जग एंड ए मग, जग और मग, जग मग दोनों क्या है, दोनों क्या है, एक ही जैसे शब्द है कि नहीं है, एक ही जैसे आसान शब्द है और एक ही जैसे मिलते हुए शब्द हैं। ओ द जेट इज अ वेट, जेट वेट एक ही जैसा शब्द है ना, जेट वेट। द माउस इज इन द हाउस, माउस इज इन द हाउस, माउस कहाँ पे है, घर में है ना। तो जैसे द कैट इज ऑन द मैट, कैट मैट एक ही जैसे शब्द हैं, है ना, और ये इजी शब्द है, आसान शब्द है। आसान शब्दों का हमें जोड़ा बनाना था, पेयर्स बनाना था। द डॉग इज ऑन द लॉग, द डॉग इज ऑन द लॉग। फिर है थर्ड, द पिन इज इन द टिन। फोर्थ, ए जग एंड अ मग, ओके। ओ द जेट इज अ वेट। सिक्स, द माउस इज इन द हाउस, ओके। तो आपको इसको भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर राइट एनी टू पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, हमको दो राइमिंग वर्ड्स, दो पेयर्स और बनाना था, दो जोड़े और बनाना था। तो जैसे कैट और हैट और रन एंड सन, कैट और हैट, है ना, जो शब्द एक बोलने में एक जैसे हो, जिनके जोड़े, जिनके पेयर्स आसानी से बन जाए, उनको हमें लिखना था। कैट हैट है,
रन सन है ना, राइट नाइट है, तो आप बहुत सारे शब्द ऐसे बना सकते हैं और लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए ये है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया भारत की पहली महिला कौन थी, जो क्या क्या किस किस पद पे रह चुकी हैं उनके बारे में हमने आपको बताया था। तो फर्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, है ना, भारत की पहली महिला जो प्रेसिडेंट बनी थी, है ना, प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल की PRATIBHA, प्रतिभा पाटिल, PATIL, प्रतिभा पाटिल। सेकंड है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो बनी थी INDIRA, इंदिरा गांधी, GANDHI, गांधी, इंदिरा गांधी। थर्ड है लोक MP मीरा कुमार, MEIRA, मीरा, KUMAR, कुमार। फिर फोर्थ है MP राधाबाई, RADHA, राधा, BAI, पाई, बाई। फिफ्थ है IAS, IAS, एना जॉर्जी, ANNA, एना, GEORGE, जॉर्जी। सिक्स है IPS, किरण बेदी, KIRAN, किरण, BEDI, बेदी, किरण बेदी। ओके, सेवेंथ है चीफ मिनिस्टर सुचिता कृपलानी, SUCHETA, सुचिता, KRIPALANI, कृपलानी, सुचिता कृपलानी। ओके, एट यूनियन मिनिस्टर अमृता कौर, AMRITA, अमृता, KAUR, अमृता कौर। ओके, फिर है नाइन मिस वर्ल्ड रीता फरे, RITA, रीता, FARIA, फरे, रीता फरे। भारत रत्न इंदिरा गांधी को मिला था, INDIRA, इंदिरा, GANDHI, इंदिरा गांधी। चीफ जस्टिस लीला सेठ, LEELA, लीला, SETH, सेठ। ओके, एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, लोक MP मीरा कुमार, MP राधाबाई, IAS एना जॉर्जी, IPS किरण बेदी, चीफ मिनिस्टर सुचिता कृपलानी, यूनियन मिनिस्टर अमृता कौर, मिस वर्ल्ड रीता फरे, भारत रत्न इंदिरा गांधी, चीफ जस्टिस लीला सेठ। तो बच्चों, आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। हम आपको बता दे रहे हैं कि हम नेक्स्ट डे टेस्ट लेंगे, सो आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। ओके, सो बच्चों, आपको ये और फ्रूट्स नेम, इजी पीजी वर्ड्स, इन तीनों को लर्न करना है। हम नेक्स्ट डे टेस्ट लेंगे। आई बात समझ में? आपका सैटरडे को टर्न रहता है, तो संडे में हम, जब आपका होमवर्क आ जाएगा, तो थ्री ओ क्लॉक के बाद हम फिर से सेटिंग ऑन करेंगे, हटा देंगे और सेंड करेंगे टेस्ट पेपर। आप लोग टाइम से
सहन किया करिए अपना टेस्ट पेपर सॉल्व करके। मैं एक्स्ट्रा टाइम भी कुछ दे देती हूँ, उसके बाद भी आप नहीं सहन करते हैं तो बेटा टाइम का बहुत ध्यान रखें, है ना। टाइम के अंदर ही आप अपना टेस्ट पेपर सेंड कर दीजिए। टेस्ट पेपर इतना लेंथी तो नहीं रहता कि आपको 2 आवर 3 आवर लगे, है ना, 1.5 आवर हम पूरा देते हैं आपको, 1.5 घंटा देते हैं, तो आप उसी टाइम में टेस्ट पेपर ग्रुप में सेंड कर दिया करिए, है ना। सो आप इसको अच्छे से लर्न करिए, ओके। सो पढ़िए, थैंक यू, घर पर रहिए, सेफ रहिए।